जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक वायरल में। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि हम हर दिन एक नए अपडेट के साथ आते हैं, तो आज भी एक नए अपडेट के साथ आए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नया अपडेट आपको पहुँचता रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं किसान सम्मान निधि KYC के बारे में, तो जरूर इस वीडियो को देखें। KYC के बारे में आजकल प्रॉब्लम ये होता है, कॉमन सर्विस सेंटर से जो करते हैं उनका KYC फिंगर तो ले लेता है, लेकिन पेमेंट इधर आ जाता है और पेमेंट इधर आने के बाद उसका दोबारा से रीपेमेंट नहीं होता है। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि उसका क्या सोल्यूशन है और क्या करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देना चाहते हैं कि आप जब इससे पहले जब करते थे तो बाय OTP आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP लेकर के कर देते थे, लेकिन अभी के समय में वो बंद कर दिया गया है। जैसा कि अभी हम PM किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल साइट पे हैं और यहाँ पे एक रेड कलर में आपको नोटिस दिख रहा होगा, eKYC मैंडेटरी फॉर PM किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स, प्लीज कॉन्टेक्ट नियरेस्ट CSC सेंटर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आधार बेस्ड eKYC थ्रू OTP has been temporarily suspended. Deadline of KYC for all the PM Kisan beneficiaries has been extended till 31 मई 2022। तो अंदर से बात निकल के आ रही है कि OTP का जो है, अगर बायोमेट्रिक का KYC या सम्मान निधि KYC करने का मुख्य कारण है कि आदमी अगला जिंदा है या मर गया है, इस वजह से उसका ई KYC करवाया जाता है। होता था कि पहले पैसा चला जाता था, आदमी मर गया फिर उसके खाते में जाता था, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ई KYC किया गया। लेकिन वेबसाइट में तकनीकी खराबी की वजह से, कुछ तकनीकी कमी की वजह से उसमें OTP बेस्ड दे दिया था और OTP बेस्ड में प्रॉब्लम ये आता था कि आदमी मर भी जाता था तो उसका 100% सत्यापन नहीं होता था। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने की वजह से उसका OTP से ऑथेंटिकेशन हो जाता था, उसी को देखते हुए सस्पेंड कर दिया गया है और साइट पे गाइडलाइन दिया गया है। खैर ये हुआ है, इसके लिए तो CSC वाले ज्यादा खुश होंगे चूंकि CSC को मतलब अब ये काम 100% CSC के हैंड ओवर हो चुका है। अब आप कोई भी पब्लिक आईडी पब्लिक लॉगिन से कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको नियरेस्ट CSC सेंटर पे ही जाना होगा KYC करवाने की। तो बात कर रहे थे कि KYC सेंटर आप नियरेस्ट CSC पे जाते हैं, वहां पे पेमेंट सारा कुछ फिंगर दिया जाता है, OTP भी दे दिया जाता है, लेकिन पेमेंट स्लिप आपको नहीं मिल पाता है। और एक दो केस में पता चला है कि कभी कभी कस्टमर और CSC सेंटर वाले में थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है, क्योंकि अब दो आदमी आए हैं, दोनों आदमी का KYC हो गया है, एक को पेमेंट स्लिप मिल गया है, दूसरा को पेमेंट स्लिप नहीं मिला है। पहला आदमी तो मान जाता है कि मेरा KYC हो गया, लेकिन दूसरा को स्लिप आप नहीं देते हैं तो वहां पे दिक्कत हो जाता है, उनके मन में रहता है कि हमें स्लिप नहीं मिला है, मेरा KYC हुआ है या पेंडिंग है, इस तरह का। चूंकि स्लिप आपको पेमेंट का ही निकलता है, KYC का नहीं, आपको पेमेंट का स्लिप निकलता है। और कभी कभी होता है कि किसी कस्टमर का पेमेंट हो जाता है, पेमेंट होने के बाद भी एरर मार देता है तो उसका स्लिप नहीं जनरेट हो पाता दोबारा। कभी कभी केस में ऐसा होता है कि उनका फिंगर ले लेते हैं, पेमेंट नहीं होता है, फिंगर ले लेते हैं और एरर मार देता है, और दोबारा से उसका अगर करते हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता है, वहां भी दोबारा पेमेंट स्लिप आप नहीं ले सकते हैं और कस्टमर को बता देते हैं कि आपका पेमेंट हुआ। बहुत केस में बता दिया जाता है और बहुत सारे केस में नहीं बताया जाता और बता दिया जाता है कि आपका KYC हो गया है। तो अभी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहे, CSC पेमेंट है और वो कमी CSC है, भारत सरकार के पोर्टल पे KYC का हो जाता है, उनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता है, उनका दोबारा KYC। और बात रही पेमेंट, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि CSC दोबारा उससे पेमेंट लेगी, कोई ऐसा गाइडलाइन या ऐसा रूल नहीं है। जिनका KYC फिगर दोबारा कर दिया जाता है और दोबारा चेक करने में बताता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कराने की जरूरत है, उनका KYC हो चुका है, उसके लिए आप कस्टमर को घबराने की जरूरत नहीं है। और CSC सेंटर वालों को चाहिए कि उनको बता देना चाहिए, समझा देना चाहिए, इस वजह से आपका पेमेंट स्लिप नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपका
केवाईसी हो गया है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।